जब हम लोगों ने ट्रेन के पटरी पे से बम को डिफ्यूज कर दिया, उसके बाद हम लोग ट्रेन को रक्षा कर लिए। उसके बाद फिर 5 महीना बाद 30 दिसंबर 2015 गुरदासपुर जिला से फिर वही से एंट्री करते हैं 5 आतंकवादी इंडियन आर्मी के ड्रेस में। एंट्री करने के बाद वो गायब हो जाते हैं, उनको आता पता नहीं लगता कि वो कहाँ जाते हैं। 1 जनवरी 2016 रात 11:30 पे वो 5 आतंकवादी इंडियन आर्मी के ड्रेस में थे, जो कि एक इनोवा कार को रोकते हैं। इनोवा कार रोकती है, उस ड्राइवर को मार देते हैं। उस ड्राइवर को मारने के बाद उस इनोवा कार को लेकर चल जाते हैं। उस कार को ले जाते हैं तो कुछ समय बाद कुछ दूरी पर उनकी कार जो होती है इनोवा खराब होती है, जिसको छोड़कर वो लोग पैदल चल लेते हैं। पैदल जाते हैं तो उसी रास्ता से गुरदासपुर के एसपी, जो दूसरे पोस्ट हुए थे, गुरदासपुर के एसपी अपने दोस्त के साथ राजेश वर्मा और अपने कुक के साथ जा रहे थे अपने अपनी गाड़ी में। तो उन लोगों ने, एसपी ने देखा कि कुछ लोग इंडियन आर्मी है जो कि हाथ दे रहे रोकने के लिए। हाथ दिया, वो लोग गाड़ी रोक दिए। जैसे ही वो गाड़ी रोके ना एसपी, तो 5 आतंकवादी वही था जो कि आया था सरहद पार से। वो 5 आतंकवादी इनको धमका दिया और उस गाड़ी में इनको बांध के, एसपी को और उसके कुक को बांध के पीछे रख दिया, पीछे बैठा दिया सीट पे और अपने बैठ गया पांचों। फिर कुछ दूर गया ना तो उस काजने का उन लोगों का आतंकवादी के मन में कुछ उठा भरम। तो क्या किया ना, एसपी को और उसके कुक को दोनों को हाथ बांधे हुए गाड़ी से फेंक दिया और गाड़ी लेके चल दिया, गाड़ी लेके चल दिया। लेकिन उसका दोस्त राजेश वर्मा, जो एसपी के दोस्त था राजेश वर्मा, वो उसी गाड़ी में था उन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है। हाँ, उनका ये टारगेट था कि पठानकोट जाना है, जो कि पठानकोट पाकिस्तान से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जहाँ पर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में MiG-21 जहाज ही फाइटर प्लेन है उसको रखा गया था। पाकिस्तानियों का मेन मकसद यही था कि उस MiG-21 जहाज को विनाश करना, जो कि पठानकोट एयरपोर्ट भी थी उसको विनाश करना था, मेन टारगेट यही था। आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े तब पाकिस्तानियों के एक हाथ से ऊटर ऑन हो गया, जो कि बहुत लगता है ना पुलिस में बजता है, पुलिस के हॉर्न आप सुनने होंगे, वो बजता है, वो ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो घबरा गया, पूछा कि गाड़ी किसकी है, वो बोला कि एसपी की गाड़ी है। वो घबरा गया, आतंकवादी पांचों घबरा गया और गाड़ी को वहीं पर रोका, और गाड़ी को रोकने के बाद रिटर्न किया कहाँ पर, जहाँ पर एसपी को और उसके कुक को छोड़ा गया था, वहां पर गया, देखा वहां पर कोई ना था, भाग गया था। आतंकवादियों ने क्या किया, वहां से गाड़ी घुमाया और क्या किया, डायरेक्ट चल दिया पठानकोट की ओर। पठानकोट की ओर जाने से पहले आतंकवादियों ने अपने घर पर बात किया, बोला कि आप लोग टेंशन मतलब जिससे हम लोग बात करते हैं उनसे बात किया, बोला कि हम लोग जन्नत में मिलेंगे, लेके चल दिया। जैसे ही पठानकोट एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पर गाड़ी को रोका और उसके दोस्त राजेश वर्मा से बोला कि मेरा काम हो गया, मीन्स हमारा काम हो गया, तुमको यही पर लाना था। भूखा किया ना आतंकवादियों ने, उसको गोली से नहीं मारा, यदि गोली से मारता तो हमारे DSS के जवान और गरुड़ कमांडो जो उस पठानकोट एयरपोर्ट पर तैनात थे वो जाग जाते। समय सुबह के 3 बज रहा था, ठीक है ना। तो उनका किया ना आतंकवादियों ने राजेश वर्मा को गला काट दिया चाकू से, छोड़ दिया। राजेश वर्मा क्या किया ना, वहाँ से भागा, राजेश वर्मा भागा, भागते भागते गया जो अगल बगल घर आता है उसको क्या बोलते हैं, अगल बगल घर आता है, तो वहीं पर गया और सबका दरवाजा पीटने लगा। तो कोई दरवाजा खुला रहा था, जो खुल रहा था डर के मारे दरवाजा बंद करने से कोई मदद ना कर रहा था, कैसे कैसे भी करके लोग राजेश वर्मा को ले गए हॉस्पिटल में, राजेश वर्मा बच गया। उसके बाद से इन आतंकवादियों ने किया क्या किया, 2 जनवरी टाइम याद रखिएगा, 2 जनवरी 2016 को टाइम 3:30 पर अटैक कर दिया। 2 DSSB जवान को मार दिया जो कि ड्यूटी में तैनात थे। जैसे ही हमला किया ना, उसी समय गरुड़ कमांडो और अन्य फौज तो वहां पर जो था एक्टिव हो गया और लड़ाई युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद सुबह 11:30 तक पूरा युद्ध खत्म हुआ, मतलब कि जब इन 5 आतंकवादियों को मार दिया गया तो देखा गया कि 5 आतंकवादी को जब पूरी तरह से छानबीन किया गया तो देखा गया ना ये जो है ना पाकिस्तान से आए थे।